तो हेलो, कैसे हो भाई लोगों। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के अंदर। सो गाइस, फाइनली बहुत दिनों के बाद हम लोग अपने टाउन हॉल 11 के ऊपर हैं। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो, हमारा गोल्ड फुल है, एलिक्सर फुल है, डार्क एलिक्सर भी फुल है एंड तीन बिल्डर हमारे फ्री है एंड ट्रीजरी में भी हमारा सब कुछ फुल है गाइस। एंड क्वीन अपनी 45 की है, आज हम लोग इसको यार 46 करेंगे। एंड वो बुक ऑफ हीरो हम लोगों ने यार ली है 500 जेम्स में अपने ट्रेडर से। सो ट्रेडर ने गाइस गिफ्ट दिया अपनी क्वीन के लिए। एंड आज हम लोग वॉर में भी अटैक करेंगे, लाइव अटैक करेंगे एंड देखते हैं हम लोग 3 स्टार निकाल पाएंगे या फिर नहीं। एंड और भी यार बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं। सो आज की इस वीडियो में यार बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। सो लास्ट तक जरूर देखना वरना आप लोग यार बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और हाँ, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं गाइस। फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड आज की इस वाली वीडियो पे लाइक हम करते हैं 201 लाइक का। सो फटाफट से 201 लाइक भी कंप्लीट करवा देना एंड कमेंट करो यार, कमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप में से मैक्सिमम लोग कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज़ यार कमेंट करो। कमेंट करोगे तभी तो भाई का चैनल चलेगा। तो चलिए गाइस, दोनों पैरों से छलांग लाते हैं आज की वाली वीडियो की तरफ। सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपनी क्वीन को 46 करने वाले हैं, 45 की है एंड 1,90,000 डार्क एलिक्सर यहाँ पे लगने वाला है। सो ये डाल दी मैंने 46 के लिए एंड यहाँ पे यूज करने वाला मैं अपनी बुक ऑफ हीरो 1, 2, 3 बूम। सो ये होगी गाइस अपनी क्वीन 46 की। एंड अभी मेरे पास एलिक्सर फुल है, डार्क एलिक्सर फुल है एंड लेबोरेटरी में हमारा चल रहा है गाइस यहाँ पे माइनर्स, ठीक है। अभी इसको कितने दिन है, 6 दिन 8 घंटे हैं गाइस अभी माइनर्स को। सो यानी कि अभी मैं एलिक्सर यहाँ पे लगा सकता हूँ। सो हम लोग ऐसा करते हैं, एक आर्मी कैंप को लगा देते हैं यहाँ पे। सो आर्मी कैंप लगा दिया मैंने यहाँ पे अपग्रेड पे एंड अभी सिर्फ हमारे पास एक आर्मी कैंप बचा हुआ है। तीन हम लोगों ने यार यहाँ पे लगा दिए एंड एक आर्चर टावर को लगा देता हूँ। एंड अभी हमारे पास गाइस ट्रीजरी भी है, हमारे पास ट्रीजरी भी है। सो 35 लाख गोल्ड अभी मेरे पास बचा हुआ है, 23 लाख एलिक्सर है। सो हम लोग ट्रीजरी कलेक्ट कर लेते हैं पहले। एंड अभी मैं इन गोल्ड को एलिक्सर को कहाँ यूज़ करूँ, आई थिंक मुझे इनको यूज़ करना चाहिए। सो हम लोग ऐसा करते हैं, वॉल्स को करते हैं गाइस, ठीक है। 45 लाख इन वॉल्स को लगने वाला है एंड वॉल्स कर दी मैंने एंड कुछ वॉल्स हम लोग यार इधर कर लेते हैं एंड सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये एक और वॉल कर सकता हूँ क्या मैं, शायद मुझे, ओके तो एक और कर दी एंड 74,000 हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एलिक्सर बचा है। एंड अभी हम लोग एक और आर्चर टावर लगाने वाले हैं एंड उसके लिए लगने वाला है 55 लाख। सब हम ऐसा करते हैं, 3 वॉल्स और कर लेते हैं हम अपने गोल्ड से, ठीक है। एंड ये कर दी मैंने लेवल 9 की वॉल्स, एक वॉल और कर देता हूँ एंड ये भी होगी। सो अभी हम लोग अपने आर्चर टावर को लगा देते हैं एंड ये तीसरा आर्चर टावर है गाइज अपना अपग्रेड पे डाल दिया जो हम लोगों ने एंड 6 दिन लगने वाले हैं इसको। सो काफ़ी लंबा है एंड अभी हम लोगों ने क्या किया, एक तो क्वीन कर दी 46 की, एक आर्मी कैंप लगा दिया, बहुत ज़्यादा वॉल्स कर ली हम लोगों ने यार एंड 2 आर्चर टावर से यहाँ पर लगा दिए। सो ये थी गाइज आज की हमारी अपग्रेड। सो अभी हम लोग क्या करेंगे गाइज, अभी हम लोग यार ना वॉर में अटैक करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग वॉर में अटैक करेंगे नंबर 8 के ऊपर एंड भाई साहब क्या बेस है यार, बेस देख रहे हो गाइस, काफ़ी फेमस बेस है यार CWL में। इस तरह के बेसिस यार बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एंड मेरी आर्मी जो है ना वो टाउन हॉल 10 की है एंड ये जो बेस है वो है टाउन हॉल 11। सो देखते हैं हम लोग यार 3 स्टार निकाल पाएंगे या फिर नहीं। वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है यार इस बेस को 3 स्टार निकालना, क्योंकि इसके पास सिगला आर्टिलरी भी है एंड एक्सपो भी आप लोग देख सकते हो, इसकी कुछ कैनन्स एंड आर्चर टावर्स भी यार अपग्रेड कर रखे हैं इसने। सो लेट्स सी हम लोग यार 3 स्टार निकाल पाएंगे या फिर नहीं। भाई साहब मुझे तो यार डर लग रहा है, वैसे मुझे डर लग रहा है यार इस बेस के ऊपर एंड बहुत तगड़ा बेस है गाइस। सो अभी हम लोग ऐसा करते हैं ना, अपनी आर्मी को यहाँ पे जेम कर देते हैं 22 जेम्स यहाँ पे एंड स्पेल्स में 10 जेम्स। तो ये कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे जेम, आर्मी अपनी रेडी हो चुकी है। सो अभी हम लोग नंबर 8 के ऊपर अटैक करेंगे, ठीक है। 46 की अपनी क्वीन है, ये हमारे पास बेनिफिट है, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला बेस, शायद 3 स्टार निकल जाए। सो चलते हैं गाइस अटैक के ऊपर एंड यहाँ पे आर्मी में यूज़ कर रहा हूँ पेका वो बैट, आप लोग जानते ही होंगे इस आर्मी के बारे में। सो सबसे पहले एक पेका मैं इस तरफ डालता हूँ एंड पीछे से डालूंगा 3 विजार्ड, ओके। तो यहाँ पे 3 विजार्ड मैंने डाल दिया, एक पेका इस तरफ से फनल क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि बाकी के जो अपने पेका हैं ना वो कोर में जाने चाहिए यार। 5% यहाँ पे निकाल लिया एंड इस तरफ से कुछ विजार्ड डाल देता हूँ मैं एंड पेका वैसे फनल तो काफ़ी सही बना रहे हैं। इस तरफ से पेका डाल दिया एंड यहाँ पे वो रिकर डाल दिया मैंने, हिलर्स डाल दी अपनी एंड भाई साहब पेका अंदर आने चाहिए, बस पेका अंदर आने चाहिए। अरे पेका कहाँ जा रहे हैं गाइस, ये लोल 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 क्या होगा यार इस अटैक में। अब क्वीन तो आ गई, चलो अपनी
किंग भी बाहर जा रहा है, वार्डन भी बाहर जा रहा है यार। अभी सिर्फ बॉलर्स आ जाएंगे यार अंदर, एंड वार्डन भाई आ जा अंदर यार। वार्डन भी चला गया यार बाहर। अभी मुझे नहीं लगता यार थ्री स्टार हम लोग निकाल पाएंगे। यहाँ पे सीसी निकल चुका है इलेक्ट्रो ड्रैगन, सो इसको मैं पॉइजन कर देता हूँ। एंड 28% हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दिया। सो एक रेस पहले मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी, सो यहाँ पे रेस पहले डाल दिया मैंने। एंड लेट्स सी हम लोग क्या कर पाएंगे। अगर यार वार्डन भी आ जाता ना तो एक एबिलिटी हो जाती। अपनी हीलर्स जो है ना वो भी यार पेका के पास जा चुकी हैं, सो अभी यार कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हम। एंड 41 क्वीन की एबिलिटी यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी, सो क्वीन की एबिलिटी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। एंड बाई डबल आइस गोलम जो यार मैंने सीसी में यूज़ किए थे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। 47 एंड इस तरफ से यार मैं अपने बैट्स पर डाल देता हूँ सारे के सारे। एंड लेट्स सी, एंड यहाँ पे वीआर टावर के ऊपर मुझे फ्री स्पेल डालनी पड़ेगी। सो 54% यहाँ पे निकल चुका है गाइस। इस तरफ से यार बैट्स तो काफ़ी सही काम कर रहे हैं, एंड वो वाला वीआर टावर निकलना चाहिए यार। ओके तो वीआर टावर निकल गया, सो मे बी यार थ्री स्टार निकल जाए अब। क्या लगता है गाइस, थ्री स्टार निकलेगा या फिर नहीं? यहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे डाल दिया। एंड बैट्स यार ज़्यादा नहीं बचे यहाँ पे, बैट्स कहाँ गए मेरे। एंड वार्डन की एबिलिटी डालनी पड़ेगी। सो एक रेस पहले यार अभी भी हमारे पास बची हुई है, एंड वहाँ पे यार एक सिंगल टारगेटेड इन्फर्नो है। एंड भाई साहब हीलर्स भी अपनी गई यार, हीलर्स भी अपनी गई। सो अब तो यार थ्री स्टार नहीं निकलने वाला। 72% निकल चुका है, 80% तक तो है यार आराम से चला जाएगा ये वाला अटैक। एंड थ्री स्टार तो नहीं निकलने वाला, यहाँ पे रेस पेल डालनी पड़ेगी यार मुझे, क्योंकि भाई थ्री स्टार तो नहीं निकलेगा। सो परसेंटेज ही कलेक्ट कर लेता हूँ मैं, 79%। एंड देखते हैं हम लोग कितनी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे निकाल पाएंगे। 81%, क्या हम लोग 90% निकाल पाएंगे? लेट्स सी। 83% एंड 84% एंड सिंगल टारगेट इन्फर्नो भाई। 85%, 30 सेकेंड्स है हमारे पास, टाइम का तो कोई इशू होना ही नहीं वाला। 87% एंड 90% चाहिए गाइज अपने को। 90% विद टू स्टार यार काफ़ी अच्छी वो हो जाएगी। 90% हो गया गाइज, 90% हो गया फाइनली। एंड थ्री स्टार तो नहीं निकाल पाए क्योंकि जो अपने पेका थे वो सारे के सारे बाहर चले गए। एंड मैंने जल्दी में डाल दिया यार पेका, मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए था, फिर यार शायद थ्री स्टार निकल जाता ये वाला वेस। सो आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड की, एक तो क्वीन की, आर्मी कैंप किया, ठीक है। एंड अभी मैं आर्मी ट्रेन करने लगा देता हूँ यार, कौन सी आर्मी मुझे ट्रेन पे लगानी चाहिए। एंड 200 ड्रैगन भाई, 200 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। 40 स्टार कौन कलेक्ट करेगा यार ड्रैगन से, भाई बहुत मेहनत लगने वाली है। सो अभी हम लोग ऐसा करते हैं, ड्रैगन वाली आर्मी ट्रेन करते हैं। 6 ड्रैगन अपने को यूज़ करने हैं, एंड 8 ड्रैगन कर लूँ। अरे भाई एलिक्ज़री नहीं है हमारे पास, लोल यार एलिक्ज़री नहीं है, ट्रीजरी भी अपनी खाली है, लोल अब क्या करूँ यार मैं। अपने ड्रैगन यार कुछ ज़्यादा महंगे नहीं पड़ रहे, हमारे पास एलिक्ज़र पहले नहीं है। एंड ऊपर से यार 40 स्टार कलेक्ट करने हैं भाई, बहुत मुश्किल होने वाला है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ गोबलिन्स बना लेता हूँ यार सारे के सारे। पहले मुझे एलिक्ज़र कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गोबलिन लगा देता हूँ सारे के सारे बनने में। एंड स्पेल्स में क्या लगाऊँ, हीलिंग स्पेल। अरे भाई हीलिंग स्पेल के लिए भी नहीं है हमारे पास एलिक्ज़र, तो चलो ठीक है जितनी आर्मी बनेगी ठीक है। एंड हम लोग गोब्लिन हंट करेंगे एंड ट्रीजरी कलेक्ट करेंगे। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, आज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड की, एक तो क्वीन की, 2 आर्चर टावर लगा दिए, 1 आर्मी कैंप लगा दिया, एंड बहुत ज़्यादा वॉल्स हम लोगों ने यार अपग्रेड कर दी। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना गाइस बहुत ज़्यादा जरूरी है। नोटिफिकेशन बेल दबाओ, नोटिफिकेशन बेल दबाने से बंदा चैनल पर फर्स्ट आता है। सो आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। We'll be right back.